हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेई का सेक्शन ई ओआरएम 2 का क्वेश्चन नंबर 11 पे डिस्कस करेंगे। तो 11th क्वेश्चन है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टीरियो आइसोमर फॉर्म व्हेन सिस टू ब्यूटीन इज रिएक्टेड विथ ब्रोमीन। तो आपके पास सिस टू ब्यूटीन है, यहाँ इस तरह से सिस टू ब्यूटीन बनेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के सेम साइड हाइड्रोजन है, मतलब सिस स्ट्रक्चर, और चार कार्बन एटम तो ब्यूट और सेकंड से डबल बॉन्ड तो ब्यूट टू। अब ब्रोमिनेशन होगा, तो आपको पता है कि ब्रोमिनेशन जो होता है वो एंटी एडिशन होता है, तो एंटी एडिशन और सिस स्ट्रक्चर, तो सिस और एंटी के केस में रेशमिक मिक्सचर बनता है। तो आप पहले तो सिस टू ब्यूटीन को थोड़ा सा इस तरह से लिख दीजिए, कार्बन इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, और इधर CH3, इधर CH3। अब एंटी एडिशन मतलब एक कार्बन पे ब्रोमीन ऊपर से यदि अटैच होगा तो दूसरे पे नीचे से, तो आप सावहॉर्स प्रोजेक्शन बनाइए। तो इस तरह से ऊपर से एक में ब्रोमीन अटैच कीजिए, तो जब ऊपर से ब्रोमीन अटैच होगा तो हाइड्रोजन और CH3 थोड़ा सा झुकेगा, और एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में हाइड्रोजन है तो राइट साइड में हाइड्रोजन, और लेफ्ट साइड में CH3 है तो लेफ्ट साइड में CH3। इस केस में नीचे से ब्रोमीन अटैच होगा, तो नीचे से ब्रोमीन अटैच कर दीजिए। अब हाइड्रोजन थोड़ा ऊपर, CH3 थोड़ा ऊपर, राइट साइड में है तो राइट साइड में हाइड्रोजन और लेफ्ट साइड में CH3। तो ये सौहर्स प्रोजेक्शन हो गया। अब इसमें आप चेक कर लीजिए POS और COS, तो इसमें ना तो POS प्रेजेंट है ना ही COS प्रेजेंट है, मतलब रेशमिक मिक्सचर बनेगा, तो ये दो प्रोडक्ट बनाएगा, दिस प्लस इसका मिरर इमेज। तो इससे अब जो है सौहर्स से फिशर प्रोजेक्शन बनाइए, तो ये वाला जो रहता है अपर कार्बन रहता है और ये लोअर कार्बन, जिससे कि आप क्या कीजिए, ये जो ब्रोमीन नीचे इसको भी ऊपर कर दीजिए, ये सिग्मा बॉन्ड रोटेट हो सकता है, तो इसको ऊपर कीजिएगा तो CH3 इस तरफ आ जाएगा, हाइड्रोजन इस तरफ आ जाएगा और ब्रोमीन ऊपर आ जाएगा, मतलब 180 डिग्री रोटेट कर दीजिए, तो इस तरह से CH3 इधर हाइड्रोजन इधर। अब फीसर से सौहॉर्स बनाने के लिए क्या करते थे, अपर और लोअर में जो कार्बन रहता था, मतलब जो ग्रुप अटैच रहता था उसको अपर में अटैच करते थे, मतलब अपर वाला ग्रुप को एक में अपर और एक में लोअर, ये अपर कार्बन कहलाएगा, तो यहाँ से ब्रोमीन ऊपर अटैच कर दीजिए और इस कार्बन से सेकंड कार्बन जो लोअर में है उससे भी ऊपर है, तो ऊपर वाला इस केस में नीचे होगा। अब अपर कार्बन में राइट साइड में CH3 है, तो राइट साइड में CH3 और लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन। सिमिलरली लोअर कार्बन में राइट साइड में हाइड्रोजन है, तो राइट में हाइड्रोजन और लेफ्ट में CH3। ये फिशर प्रोजेक्शन हो गया, और इसका मिरर इमेज बना दीजिए, तो दिस प्लस इसका मिरर इमेज BR यहाँ CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3। तो ये दो प्रोडक्ट बनेगा आपका जब सिस ब्यूट टू इनका रिएक्शन ब्रोमीन से होगा। तो स्टीरियो आइसोमर का स्ट्रक्चर भी बताना था, तो दोनों स्ट्रक्चर बता दिए, फिशर प्रोजेक्शन में न्यूमान, सौहॉर्स प्रोजेक्शन में आप चाहे तो न्यूमान भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फ्रॉम 3-ethyl-2-pentene अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो पहले 3-ethyl-2-pentene बनाइए, तो पांच कार्बन एटम 1, 2, 3, 4, 5, सेकेंड से डबल बॉन्ड पेंट टू इन हो गया, थर्ड से इथाइल तो थर्ड से C2H5 अटैच कर दीजिए, बाकी आप हाइड्रोजन फिलअप कर लीजिए, CH3 एक हाइड्रोजन, इससे एक भी हाइड्रोजन नहीं, दो हाइड्रोजन और इससे तीन हाइड्रोजन। तो ये आपका 3-ethyl-2-pentene है, इसका रिएक्शन HBr से करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, तो परोक्साइड के प्रेजेंस में HBr एंटी मार्कोनी को एडिशन करता है, तो जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है वहां से हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा, मतलब अमीर अमीर नहीं होगा, तो इस कारण से हाइड्रोजन अटैच होगा और इससे ब्रोमीन अटैच होगा, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH Br, उसके बाद नेक्स्ट कार्बन से CH और दो इथाइल ग्रुप है C2H5 C2H5। देखिए CH2 CH3 ये एक्चुअली में इथाइल ग्रुप है, ये भी इथाइल ग्रुप, तो दो इथाइल ग्रुप अटैच कर दीजिए, तो ये ए के साथ रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट बनेगा HBr और परोक्साइड के प्रेजेंस। नेक्स्ट Br2/H2O, तो ये ब्रोमीन वाटर है, तो ब्रोमीन वाटर Br2/H2O ये आपस में रिएक्शन करके HOBr बनाता है,
मतलब इसमें ब्रोमिनेशन एड नहीं होगा, OH और BR एड होगा। तो इस केस में एक्चुअली में ये HOBr एसिड है, ये H प्लस और OBr माइनस में आयोनाइज होगा, लेकिन आप रिएक्शन के लिए इसको OH माइनस और BR प्लस एज्यूम कीजिए। पहले भी हम बता चुके थे ये पॉइंट। तो BR प्लस इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो फिर से BR प्लस यहाँ अटैक करेगा, क्योंकि अगर BR प्लस यहाँ अटैच होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा जो कि स्टेबलाइज होगा दो इथाइल ग्रुप के कारण। यहाँ पे सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप है तो हाइपर कंजुगेशन भी 3 है, और इस केस में हाइपर कंजुगेशन 2+2, ये CH2CH3, ये भी CH2CH3 है, तो दो दो अल्फा हाइड्रोजन है तो 4 हाइपर कंजुगेशन है, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ स्टेबल होगा, मतलब BR यहाँ से अटैच होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज पे OH माइनस अटैक करेगा तो यहाँ से OH बना लेगा, तो आपका प्रोडक्ट होगा CH3CH BR। नेक्स्ट कार्बन से H नहीं, इस बार OH अटैच होगा, और 2C2H5 जो था पहले से, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा Br2+H2O के साथ रिएक्शन करने के बाद। नेक्स्ट HgOAC2+H2O, और उसके बाद NaBH4 से रिडक्शन करवा रहे हैं। तो ये जो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन होगा इस केस में HgOAC2+H2O और NaBH4 से, तो H2O से OH अटैच होता है और NaBH4 से H, और इस केस में मार्कोनिकोव एडिशन होता है, तो मार्कोनिकोव एडिशन होगा, तो जहाँ पे H पहले से अमीर अमीर बनता है तो यहाँ से H और यहाँ से OH लगेगा, तो प्रोडक्ट जो है आपका हो जाएगा जो अभी लिख दिए हैं यहाँ पे CH3। नेक्स्ट CH तो पहले से था, एक हाइड्रोजन एड हुआ तो CH2, उसके बाद नेक्स्ट कार्बन से दो इथाइल ग्रुप था C2H5 C2H5, और एक OH एड होगा। ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन हो रहा है। एक्चुअली में क्या होगा कि पहले HgOAC2 ये टांग दीजिए आप, यहाँ H और OH हटा दीजिए, तो डबल बॉन्ड के लो HG+OAC टांग दीजिए इलेक्ट्रोफाइल। अब फर्दर H2O में से ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करता है, ये अच्छे से लिख दिए हैं, मतलब डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से HgOAC टांग दीजिए, बड़ा इलेक्ट्रोफाइल है। अब ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा तो मोस्ट स्टेबल के टाइमिंग साइड पे, तो इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ से OH अटैच हो जाता है, ये देखिए यहाँ से OH अटैच हो जाएगा, और फिर NaBH4 से रिडक्शन होगा तो ये HgOAC हटेगा और यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा, तो यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा, आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन प्रोडक्ट बनेगा ये। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 13, प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट ऑब्लिक प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो आपके पास रिएक्शन सीक्वेंस दिया हुआ है, आपको बताना है कि ए क्या बनेगा, बी क्या बनेगा, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट तो बना ही दिया है। तो सबसे पहले तो आपके पास ये एनहाइड्राइड दिया हुआ है और AlCl3 लेविस एसिड, तो लेविस एसिड ये लोन पेयर अटैक करेगा लेविस एसिड पे, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो C++ इलेक्ट्रोफाइल बन गया, और इससे कितना कार्बन अटैच है, CH2 CH2 C++O-, तो यहाँ से एक कार्बन CH2 फिर CH2, उसके बाद फिर नेक्स्ट कार्बन से डबल बॉन्डो और O-, और इसके साथ AlCl3 रहेगा एट्रैक्शन में इस लोन पेयर के साथ। अब ये C++O इलेक्ट्रोफाइल और बेंजीन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, OR ग्रुप ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है, मतलब पारा पोजिशन पे C++O अटैच होगा, तो यहाँ से C++O और इससे 1 कार्बन 2 कार्बन, नेक्स्ट कार्बन से CoO- और AlCl3 इसके साथ अट्रैक्शन में रहेगा। अब H3O+, क्योंकि ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दिया है इसलिए अट्रैक्शन में रहेगा, H3O+ से ये H+ एक्सेप्ट करके COOH बना लेगा, मतलब AlCl3 हट गया, तो आपका A जो बनेगा बेंजीन, और उससे एक OMe ग्रुप अटैच है, और नेक्स्ट C++O, उसके बाद CH2 ये O नहीं कार्बन है CH2, उसके बाद COOH, ये C++O है, ये A है। इसके बाद फिर ZrHg+HCl, तो इसके बारे में तो हम बोले थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पढ़ेंगे, लेकिन एक एग्जांपल हम बताए थे जिसमें बोले थे कि कार्बोनाइल को ये रिड्यूस कर देता है अल्केन में, मतलब C++O रिड्यूस हो जाएगा CH2 में, तो बाकी सब ग्रुप को एज इट इज रहने दीजिए OMe, और यहाँ से C++O CH2 में रिड्यूस होगा, फिर नेक्स्ट CH2, नेक्स्ट
COOH। अब इसका फर्दर जब रिएक्शन होगा H3PO4 से, तो ये बेंजीन के साथ रिएक्शन कर लेता है, तो यहाँ से इस कार्बन में रिएक्शन हो जाएगा और यहाँ से सी डबल बोंडो ग्रुप अटैच रहेगा और ये OH हट जाएगा, सी डबल बोंडो ग्रुप रहेगा। एक्चुअली में H3PO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट रहता है, तो यहाँ का H और यहाँ से OH हट के -H2 हो गया, H2 एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये कितना कार्बन का चेन है, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ से 5 कार्बन का चेन लगा दीजिए। यहाँ तो 6 कार्बन का चेन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कहीं पे गलती हुआ, एक कार्बन कम हो गया है। तो देखिए 1, 2, 3 कार्बन, यहाँ 1, 2, 3, 4, अरे बाप, एक CH2 देखिए हट गया। ये तो CH2 जो है सी डबल बोंडो के रिडक्शन से हुआ है, उसके बाद CH2 फिर COOH है, तो ये तो सी डबल बोंडो का CH2 उसके बाद CH2 फिर CH2 है। हम एक CH2 यहाँ पे देखिए छोड़ दिए थे, तो एक और CH2 होगा उसके बाद COOH है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन एटम का चेन है और OMe के नेक्स्ट सेकेंड और थर्ड कार्बन से अटैच्ड है कॉमन। तो बेंजीन में OMe इसके सेकेंड और थर्ड कार्बन से कॉमन रहेगा ये रिंग, और बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन पे सी डबल बॉन्ड होगा, बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन से सी डबल बॉन्ड हो, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा फाइनल। तो ये B है, यहाँ से जो COOH वाला पार्ट है CH2 COOH, हम एक CH2 छोड़ दिए थे तो वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सी डबल बॉन्ड से CH2 हो गया, तो इसको हम काउंट किए, हम देखे दो CH2 तो दो CH2 बस रख दिए थे और ये वाला ध्यान से हट गया, तो इसलिए एक CH2 तो इसके कारण होगा और दो CH2 पहले से था, तो 3 CH2 उसके बाद COOH होगा। तो ये A B सब बता दिए, फिर उसके बाद तो ये फाइनल प्रोडक्ट ही बन गया। इसके बाद नेक्स्ट 14th में राइट द इंटरमीडिएट स्टेप फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है, मतलब प्रोडक्ट तो दे ही दिया है, इंटरमीडिएट बताना है क्या बनेगा और कौन कौन सा स्टेप होगा। तो आपके पास H+ है, इलेक्ट्रोफाइल और अल्किन और बेंजीन है, तो बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, अल्किन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, और ये पॉइंट हम बताएं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन फास्टर होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, तो अल्किन पे इलेक्ट्रोफाइल एड होगा। अब ये एच मार्कोनिकोव एडिशन होगा या एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, तो अगर यहाँ पे एच लगेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और यदि यहाँ एच बनेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन, लेकिन 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ पे एच लगेगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो आपका इंटरमीडिएट बनेगा बेंजीन, और इससे नेक्स्ट यहाँ से पॉजिटिव चार्ज और ये OH है, OH के पास लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर इस तरह से अटैक करेगा तो ऑक्सीजन से ये कार्बन अटैच हो जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे दिया है, तो स्टेबिलिटी के लिए ये अपना H+ रिलीज कर देगा, तो फिर से ऑक्सीजन के पास लोन पेयर आ जाएगा और ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो बेंजीन से ऑक्सीजन कनेक्टेड है, उसके बाद कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, और वो बेंजीन से कनेक्टेड है। तो देखिए बेंजीन से ऑक्सीजन कनेक्टेड रहेगा, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, उसके बाद ये बेंजीन से कनेक्टेड है, कार्बन, 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 3 कार्बन, 1, 2, 3, उसके बाद बेंजीन से कनेक्टेड, और ऑक्सीजन के बाद जो नेक्स्ट कार्बन है इससे एक CH3 ग्रुप अटैच है, तो यहाँ से CH3 ग्रुप अटैच कर दीजिए, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। देखिए तो इंटरमीडिएट स्टेप तो यही है कि यहाँ इलेक्ट्रोफाइल बना पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद ऑक्सीजन अटैक किया तो फाइनल प्रोडक्ट बन गया जो आपका दिया हुआ है, यही बनाना था, इंटरमीडिएट स्टेप भी बता चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोब्यूटाइल ब्रोमाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ मैग्नीशियम इन ड्राई इथर फॉर्म्स एन ऑर्गेनोमेटेलिक ए, द ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्ट्स विथ इथानॉल टू गिव अल्कोहल बी आफ्टर माइल्ड एसिडिफिकेशन प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल बी विथ एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ HBr गिव्स 1-bromo-1-methyl-cyclopentane-C, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ AB एंड एक्सप्लेन हाउ C इज ऑब्टेंड फ्रॉम B। तो A और B का स्ट्रक्चर बताना है और C कैसे बना है B से वो बताना है। तो सबसे पहले साइक्लोब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो आपके पास ये साइक्लोब्यूटेन और इससे ब्रोमीन अटैच कर दीजिए तो साइक्लोब्यूटाइल ब्रोमाइड होगा। अब इसका रिएक्शन करवाइएगा मैग्नीशियम / ड्राई ईथर से। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्शन होता है RX का, तो RMGX बनता है, RX और MG,
तो MgX, तो यहाँ मैग्नीशियम और कार्बन के बीच में Mg लग जाएगा, तो ये आपका MgBr बनेगा। ये A है, दिया हुआ है कि मैग्नीशियम ऑब्लिक ड्राई ईथर से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड A बनता है, और इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को ग्रिगनार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं। ग्रिगनार्ड रिएजेंट के लेक्चर में ये पॉइंट हम बता चुके हैं। अब A का रिएक्शन करवाते हैं इथानल CH3CHO से, तो C डबल बॉन्ड हो कार्बोनिल, और ग्रिगनार्ड रिएजेंट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, पता होना चाहिए आपको। तो इस कारण पे जिससे मैग्नीशियम एटेड है वो निगेटिव चार्ज होगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, तो कार्बोनिल वाले सी डबल बॉन्डों पे अटैक करेगा, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो रहता है एल्डिहाइड में वो बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट होगा। मतलब आप इस तरह से जो ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है, तो सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो चार कार्बन एटम है साइक्लोब्यूटेन में, और इस निगेटिव चार्ज से जो कार्बन अटैच है उससे एक और कार्बन अटैच है CH3 और O माइनस, और ये H+ एक्सेप्ट करके एसिडिफिकेशन होगा। देखिए आफ्टर माइल्ड एसिडिफिकेशन, तो एसिडिफिकेशन कर रहे हैं तो O- H+ एक्सेप्ट करके OH बना लेगा, तो ये आपका प्रोडक्ट B है OH लगने के बाद। अब B का रिएक्शन करवा रहे हैं प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल B विथ इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ HBr, तो ये जो B बना है इसका रिएक्शन करवाएंगे HBr से। तो ये जो रिएक्शन है आप पढ़िएगा ORM3 में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें SN1 मैकेनिज्म होता है। तो सबसे पहले H+ जो है HBr में एसिडिक मीडियम है, तो ये OH जो है H+ एक्सेप्ट करके OH2+ बनाएगा, मतलब H2O बना लेगा लिविंग ग्रुप OH2+, ये लिविंग ग्रुप है H2O, तो यहाँ से H2O निकल जाता है, तो इस तरह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जहाँ भी कार्बोकेटाइन बनता है तो ये हमेशा अपने से स्टेबल कार्बोकेटाइन में रीअरेंज होता है, तो ये 4 कार्बन से 5 कार्बन एटम का चेंज बना लेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 5 कार्बन का चेन है, और इस कार्बन से मिथाइल अटैच है और उसके नेक्स्ट कार्बन से पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ मिथाइल और इसके नेक्स्ट कार्बन से पॉजिटिव चार्ज। अब एक बार और रीअरेंजमेंट होगा इस केस में, तो रिंग एक्सपेंशन होगा, अब कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा तो ये 2 डिग्री है, और जब यहाँ रीअरेंज करके होगा तो ये 3 डिग्री हो जाएगा, तो अपने से स्टेबल में हमेशा रीअरेंजमेंट करता है। तो ये इस तरह से ऐसे 5 कार्बन एटम मान लीजिए, इसको हटा दीजिए, और यहाँ पे मिथाइल है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ आ गया। अब Br- जो है वो अटैक करेगा इस पॉजिटिव चार्ज पे, तो यहाँ से Br अटैच हो जाएगा इस तरह से, यहाँ से Br, इसी का नाम होगा 1-bromo-1-methyl cyclopentane, ये जो प्रोडक्ट बना है 1-bromo-1-methyl cyclopentane। तो A B का स्ट्रक्चर बता दिए, और B से C कैसे बना वो भी बता दिए। इसके बाद अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में पार्ट वाइज है, 1, 2, 3, 4 इस तरह से 7 पार्ट है, वो डिस्कस करेंगे, फिर होगा तो सेक्शन F भी डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।